इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सो ऐसे में जिन घरों में बच्चे या बुजुर्ग घर से बाहर अकेले जाते हैं तो अधिक फिक्रमंद रहते हैं, विशेषतः है उन इलाकों में जहां आवारा कुत्तों का बहुत खौफ या कुत्तों के काटने की घटनाएं बहुत ज्यादा है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर डॉग अटैक की कई भयावह वीडियो सामने आए, जिनमें कई बार लोगों की जान तक चली गई और उनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। ताजा मामला वाघ बकरी चाय के मालिक पराग देसाई के निधन का है, जिसमें उन पर आवारा कुत्तों ने आक्रमण बोल दिया। वह गिर पड़े, ब्रेन हैमरेज हुआ, लगभग हफ्ता भर हॉस्पिटल में रहे, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। अब सवाल यह है कि जब कभी किसी के सामने ऐसे हालात हों कि उसे आवारा कुत्ते या कुत्तों के झुंड का सामना करना पड़े, तो वह अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले क्या करे। जानवरों के बिहेवियर को समझने वाली और उनका ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स से हमने यही समझने का प्रयास किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि जब आपके सामने कुत्ते हों और आपको लगे कि वे आप पर अटैक कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको डरना नहीं, खुद को बिल्कुल शांत रखना है, क्योंकि कुत्तों में सामने वाले के डर को भांपने की नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है। डर लग भी रहा है तो उसे कंट्रोल करने का प्रयास करें। कुत्तों से कभी भी नज़र ना मिलाएं, इसे वे खुद के लिए खतरा समझते हैं, मानो उन्हें नज़र से नज़र मिलाकर कोई चुनौती देने की कोशिश कर रहा हो। अति आवश्यक है कि उस समय अपना सिर कुछ नीचे झुकाते हुए उनकी तरफ डायरेक्ट ना देखें और इस तरह से चलें कि आपका उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। हो सके तो धीरे धीरे अपने को पीछे करने का प्रयास करें, उनसे धीरे धीरे दूरी बनाने की भी कोशिश करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, हड़बड़ाहट में हरगिज नहीं। अगर आपके आसपास ऐसी कोई चीज़ हो जिसकी आड़ आप ले सकें या जिसके पीछे आप अपने आप को छिपा सकें, जैसे कोई दीवार, पेड़, कूड़े का डिब्बा या कुछ भी, तो खुद को उसके पीछे छिपा लें। यदि आपके पास समय कोई पर्स, बैकपैक, जैकेट या ऐसा कोई सामान है जिसे आप अपने फ्रंट में अपना बचाव करते हुए रख पाएं, तो उसे अपने शील्ड के तौर पर उपयोग करें। आवारा कुत्तों से आमना सामना हो जाए तो कुत्तों की ओर पीट करके भागने का प्रयास ना करें, क्योंकि कुत्तों में शिकार का पीछा करने की बहुत टेंडेंसी होती है, तो ऐसे में वे आपको अपना शिकार समझेंगे और आपकी ओर दौड़कर आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आपने साड़ी या धोती या कोई ढीला ढाला कपड़ा पहना हुआ है तो उसे ठीक से समेट लें, क्योंकि अक्सर कुत्ते उन्हें खींचने का प्रयास करते हैं और ऐसे में आपको अधिक चोट लगने का डर होगा। कई बार ऐसा देखने में आया है कि तमाम कोशिश और खुद को बचाने का प्रयास करने के बावजूद भी कुत्ते ने आपको काट लिया, तो आप घबराए नहीं। आप घर पर अपने घाव को 5-6 मिनट खुले पानी में क्लीन करें, उसके बाद डेटॉल या सेवलॉन से घाव को अच्छी तरह साफ करें। तुरंत डॉक्टर के पास जाएं जो रैबिस से बचाव के लिए आपको इंजेक्शन देंगे। डॉक्टर जितने भी इंजेक्शन बताएं एक निश्चित समय अंतराल पर लगाने को कहें, तो वह कोर्स अवश्य पूरा करें। आपका घाव कितना अधिक गहरा है और कुत्ते ने आपको कहां काटा है, डॉक्टर यही देखकर आगे का इलाज करेगा। डॉक्टर्स का कहना है अगर कुत्ते ने आपको गहरा काटा है तो रैबिज होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए कुत्ते के काटने को सीरियस लें। तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर ट्रीटमेंट करवाएं। रैबिज सीधा दिमाग पर असर डालता है और इंसान की जान को भी खतरा होता है, इसलिए इस वायरस से बचने का यही एक तरीका है कि समय रहते इलाज करवाएं। देखने में यह आया है कि कुत्ते ने अगर गर्दन या कंधे या ऐसी किसी जगह पर काटा है जो दिमाग के नज़दीक है, तो खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि हाथ या पैर पर काटने पर खतरा थोड़ा कम होता है, क्योंकि यह वायरस सीधा दिमाग पर असर डालता है। आखिर कुत्तों का आतंक इतना बढ़ क्यों गया है? दरअसल डॉक्टर्स का कहना है कि कई बार हम जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उन्हें छेड़ते हैं, कभी उनकी पूंछ, कभी कान आदि को हानि पहुंचाते हैं, उनके भोजन करते समय उनसे खिलवाड़ या छेड़खानी करते हैं, उनसे बुरा व्यवहार करते हैं, बहुत बार बच्चे उन्हें डराने के लिए उनके आगे पटाखे फोड़ते हैं। ऐसी कई वजह हैं जिनसे वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे में आपके साथ हुई घटना के समय भले ही ना हो, लेकिन उनके अंदर बहुत गुस्सा होता है जो आप पर अटैक के रूप में सामने आ सकता है। इसलिए हम सबकी भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है कि हम भी जानवर को जानबूझकर परेशान ना करें, उन्हें बेवजह ना छेड़ें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही देखते रहें स्पाइस न्यूज़ भारत।